असमय हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की हालत खराब कर दी है। हर तरफ फसलें चौपट हो गई है। ऐसे में एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बर्बाद फसलों का मुआयना किया और किसानों को आश्वासन दिया कि इस मुसीबत में सरकार उनके साथ है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले के बसई क्षेत्र में जाकर ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का मौका मुआयना किया। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर आश्वस्त किया कि क्षतिग्रस्त फसलों का हर संभव मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर मिश्रा को ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त हुई फसलों से हुई पीड़ा से अवगत कराया। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि संकट के समय में सरकार किसान भाइयों के साथ है, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान पर राहत राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। ओलावृष्टि से गेहूं, चना एवं सरसों की फसलें बर्बाद हुई है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कलेक्टर एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त फसलों का तत्काल सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।